हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये सनसेट का कितना अच्छा व्यू है, मेरे छत से बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के टाइम हम लोग हमेशा आते हैं छत पे, मैं मेरी दीदी और मेरी मम्मी जी आ गई हैं रिलेटिव के घर से, तो मैंने सोचा आज का ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आप देख सकते हैं कि मेरे टेरेस से कितने सारे पेड़ दिख रहे हैं आपको, इससे बहुत अच्छे फ्रेश हवा मिलती है, तो हम लोग शाम के टाइम आना बहुत पसंद करते हैं। और देखिए सानवी अपनी बुआ के साथ हैं, और सानवी के लिए उनकी बुआ फेवरेट है, उनके बिना तो वो रह नहीं पाती हैं। और आपने देखा होगा कि मेरी मम्मी जी वॉक कर रही थी, ये मेरी मम्मी जी हैं, तो ये मेरी सासू माँ कम लगती हैं, मेरी माँ की तरह ज़्यादा लगती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। आई एम सो लकी कि मुझे ऐसी भी सास मिली है। सी इज़ रियली रियली ग्रेट मदर, और वो बहुत मुझे प्यार भी करती हैं, और अगर मैं जब भी काम करती हूँ तो वो देखकर मेरा फेस ही देखती रहती हैं। और वो देख रहे हैं आप कि मैंने दीप सानवी को घुमा रही हैं, सानवी हाई कर रही हैं, दी भी हाई कर रही हैं। ये देखिए बुआ भतीजी का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। और गांव में घर में जब फैमिली रहती है तो सुबह शाम कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो देखिए सानवी कितनी खुश हैं, और उनकी बुआ भी कितनी खुश है। साथ ही साथ आज का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है, और डिनर बनाने का टाइम भी हो गया है, तो देखिए मैं सेवई बनाने जा रही हूँ। और सेवई को पहले मैं घी में फ्राई कर लूँगी। आप देखिए मेरा किचन, तो और उसको फ्राई मैंने कर लिया है, और दूध को मैं एक तरफ बॉयल भी कर रही हूँ, उसको निकाल रही हूँ सेवई को। आज मेरी दीदी जो हैं वो मटर पनीर ये बहुत ही अच्छा बनाती हैं, तो आज वो बना रही हैं हम लोगों के कहने पर, और वो बनाती हैं बहुत अच्छा, उनके हाथ से बनता भी है। और उनकी रेसिपी इस तरह से ट्राई करिएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, और सबको बहुत पसंद भी आएगा खाने में। और यहाँ पे ये मेरी चाची जी हैं, वो चाय बना रही हैं, आ गई हैं मायके से ये भी, तो तीनों लोग हम मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक चलता रहता है हम लोगों का। प्रिया हैं, चाची जी हैं, और मैं हूँ, तो देखिए हंसे ही जा रहे हैं। चाची जी भी मेरी बहुत ही अच्छी हैं। और देखिए दूध बॉयल हो गया, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, अब इसमें मैं इलायची को क्रश करके ऐड कर दी हूँ, और सेवई को भी अब डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला के ढक के मैं रख दूँगी, और सेवई बन के तैयार है, क्योंकि ये सेवई गल भी जाती है फ्राई कर लो घी में अच्छे से। तो देखिए मेरी दीदी स्टार्ट हो गई है मटर पनीर बनाना। हम लोग जैसे अनियन टमाटो की प्यूरी बनाते हैं पनीर बनाने के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, बट मेरी दीदी क्या करती हैं उसको फाइनली चॉप कर लेती हैं अनियन अदरक लहसुन को, और टमाटो को भी चॉप करके बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो और पनीर को फ्राई भी नहीं करती हैं, फिर भी इतना अच्छा लगता है खाने में कि मैं बता नहीं सकती उसका स्वाद। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा बनता है। देखिए प्याज को फ्राई करने जा रही हैं, तो प्याज इन्होंने लिया है था 8 से 10, क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी है तो खाना बहुत बनाना पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हर्ष भैया हैं, ये भी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं छोटे, उनको बहुत शर्म आ रही थी। और दीदी देखिए बना रही हैं कितने प्यार से। हम लोगों के घर में काम रहता है और बात हम लोग करते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कब काम हो गया, कब सब खाना खा लिए हैं, पता नहीं चलता। देखिए तो हर्ष भैया खड़े हैं उन्हें शर्म आ रही है बार बार, और दीदी बनाने में अभी लगी हैं। अब वो जो छोटा सा बाबू आप देख रहे हैं वो मेरे चाची जी का लड़का है छोटा, वो मेरे देवर लगेंगे वो भी। देखिए मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिया है दीदी ने, और वो तेल भी सेपरेट हो गया है, तो पानी को ऐड कर दिया है, पनीर भी ऐड कर दिया है, और पकाने का वेट करेंगे तो पनीर बन जाएगी। और अब देख सकते हैं कि अब हम लोग रोटी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी रोटी ही खाते हैं, और प्रिया एक तरफ कॉफ़ी बनाने जा रही हैं, तो हम लोगों का चाय कॉफ़ी चलता रहता है खाना बनाते वक्त। और मैं रोटी सेक ली हूँ, अब पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि सेवई बनी थी तो सबने कहा कि सेवई के साथ पूड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है, और मटर पनीर वो भी दीदी के हाथों से बना था, तो सबने बोला कि नहीं आज पूड़ी बनेगा, तो मैंने बोला ठीक है। और चाची बेल रही हैं मेरी, चाची भी देखिए कितनी सुंदर हैं।
तो देखिए पूरी फ्राई हो रही है और धीरे धीरे अब सबको खाना खिलाया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे दादाजी खाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए पूरी कितनी फूली है, पूरियाँ बन भी देखिए बन गया है। धनिया पत्तों को फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है, तो कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मम्मी जी खाना सबको सर्व करने जा रही हैं, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।